नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। शनिवार को भी नागपुर जिले में नए कोरोना पॉजिटिव मिलने में नहीं आई कोई कमी। 24 घंटों में फिर मिले 691 नए पॉजिटिव मरीज। बढ़ते आंकड़ों से लोगों में डर का माहौल। नागपुर के हुडकेश्वर पुलिस स्टेशन की हद में मामूली विवाद को लेकर फिर एक युवक की कर दी गई हत्या। गाड़ी को कट लगने से हुआ था विवाद। चंद घंटों में हत्यारों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने आरएसएस मुख्यालय व अन्य परिसरों की जैश ए मोहम्मद द्वारा रेकी किए जाने पर जताई चिंता। फडणवीस ने कहा कि राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कर रहे हैं मामले की छानबीन। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर जिले में दिन ब दिन तेजी से कोरोना संक्रमण फैल रहा है। शनिवार को नागपुर जिले में कोरोना के 691 संक्रमित मिले हैं। तेजी से कोरोना के आंकड़े बढ़ने से प्रशासन ने भी कई पाबंदियां लगाई है। वहीं से और सख्त करने पर चर्चा की जा रही है। आज मिले संक्रमितों के साथ ही जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या 2609 पर जा पहुंची। अब तक जिले में 4,96,756 संक्रमित मिले। जिले में मृतकों की संख्या 10,123 पर ही स्थिर बनी हुई है। शनिवार को ग्रामीण में 118 पॉजिटिव मिले, तो वहीं शहर में 549 और जिले के बाहर के 24 संक्रमित मिले हैं। ऐसे में कुल 691 के इस डरावने वाले आंकड़े से प्रशासन भी चिंतित है, लेकिन मरीजों के ठीक होने की दर 97.44% है। फिर भी लोगों से कोविड नियमों का पालन करने का आह्वान मनपा ने किया है। हुडकेश्वर पुलिस थाना अंतर्गत बीती रात गाड़ी को कट लगने जैसी छोटी सी बात को लेकर हत्या करने का मामला सामने आया है। हुडकेश्वर पुराना नगर स्थित कैनरा बैंक के पास ये घटना हुई है। इस घटना में मृतक जितेंद्र विकास चोपड़े की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक जितेंद्र अपने दो दोस्तों के साथ त्रिमूर्ति ढाबा आउटर रिंग रोड से खाना खाकर घर जाने एक्टिवा से निकला। करीब रात के 9 बजे जूना हुडकेश्वर नागा के कैनरा बैंक के पास आरोपी विजय उग्रेजा बगल की गली से अपने बाइक से आया और अचानक गाड़ी रास्ते में रोक दी। ऐसे में गाड़ियों की कट लग गई। उसी बात को लेकर मृतक जितेंद्र ने अपनी एक्टिवा साइड में खड़ी कर आरोपी विजय के साथ गाली गलौज की। इसी बात को लेकर आरोपी विजय ने अपनी गाड़ी के किचन को लगे चाकू से मृतक जितेंद्र के पेट पर और छाती पर वार किया। इन दोनों के बीच का झगड़ा समझाने के लिए जितेंद्र के दोस्त प्रकाश ने भी बीच बचाव किया, लेकिन उसके भी पीठ और पेट के ऊपर चाकू से वार कर जख्मी कर दिया गया। आरोपी वहां से भागकर अपने दो भाइयों को लेकर आया। उसके दो भाइयों ने भी मृतक जितेंद्र और प्रकाश को छोड़कर वहां से फरार हो गए। कुछ देर बाद वहां पुलिस आई। पुलिस ने दोनों को गाड़ी में डालकर मेडिकल अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान जितेंद्र विकास चोपड़े की मृत्यु हो गई। गाड़ीला कट मारण्यासारख्या अतिशय क्षुल्लक अशा घटनेतून हुडकेश्वर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत हुडकेश्वरचा जुना नाका कॅनरा बँकेच्या समोर काल खून करण्यासारखी एक गंभीर घटना घडलेली आहे। या घटनेमध्ये मयत जितेंद्र विकास चोपडे आणि प्रकाश राजेश तिवारी हे धाब्यावर जेवण करून परत येत असताना त्यांना यातील आरोपी विजय उग्रेच्या याच्या गाडीचा कट त्यांना लागला आणि दोघांमध्ये कट लागल्यामुळं शिवी गाळी आणि वादाचं पर्यायवसान म्हणून विजय उग्रेच्या याने त्याच्या किचनमध्ये जो असलेला चाकू होता त्या चाकूने एक वार जितेंद्र विकास चोपडे याच्या छातीवर केला आणि तो वार नेमका त्याच्या हृदयावर लागल्यामुळे एकाच वारमध्ये येथील जितेंद्र विकास चोपडे याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झालेला आहे। सदर घटनेमुळं हुडकेश्वर पोलीस स्टेशन या ठिकाणी जितेंद्र विकास चोपडे याचा खून केल्यामुळे विजय उग्रेचा आणि त्याला सहाय्य करण्यासाठी आलेले त्याचे दोन भाऊ रोहित व रवी उग्रेचा या तिघांवर IPC 302, 324 आणि 34 प्रमाणे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। त्याच्यातील आरोपी जे आहे ते त्यांच्यावर पहिलाच गुन्हा आहे आणि मृतकावरील गुन्ह्याचा रेकॉर्ड बघणं चालू आहे। जम्मू काश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से आतंकी संगठनों को निशाना बनाया गया है, इसलिए जैश ए मोहम्मद ने नागपुर में आरएसएस कार्यालय में रेकी की है। यह बयान भाजपा नेता गिरीश महाजन ने शुक्रवार को जलगांव में दिया। अब इस पर देवेंद्र फडणवीस ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इमारतों की जैश ए मोहम्मद द्वारा रेकी करना बेहद गंभीर मामला है।
जैश ए मोहम्मद द्वारा नागपुर में आरएसएस मुख्यालय की रेकी के इस मामले में विपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये जानकारी अब पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों तक पहुंच गई है, इसलिए माना जा रहा है कि महाराष्ट्र पुलिस और केंद्र सरकार इस संबंध में उचित सावधानी बरतेंगी। इसे बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए, ऐसा रिएक्शन देवेंद्र फडणवीस ने दिया है। नागपुर में पूर्व में हुए एक बड़े आतंकी हमले के मद्देनजर सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया है। पुलिस आयुक्त मितेश कुमार ने शुक्रवार को कहा कि आतंकवादी संगठन शहर में हमलों को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं, इसमें जैश ए मोहम्मद का नाम सामने आ रहा है। उन्होंने कहा, पिछले कुछ दिनों में हमें पता चला है कि जैश ए मोहम्मद के कुछ आतंकवादी नागपुर में कुछ जगहों पर रेकी कर रहे हैं। रेकी को भी रोकथाम अधिनियम के तहत अपराध के रूप में सूचित किया गया है। फिलहाल नागपुर क्राइम ब्रांच मामले की जांच कर रही है। नहीं, हे अतिशय गंभीर बाब आहे आणि मला असं वाटतं की याची माहिती आता पोलिसांना आणि केंद्रीय यंत्रणांनाही मिळालेली आहे, त्यामुळे या संदर्भात योग्य खबरदारी महाराष्ट्राचे आपले पोलीस आणि केंद्रीय यंत्रणा मिळून घेतील, पण मला असं वाटतं की याला अतिशय गांभीर्याने घेतलं पाहिजे। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच 7 चरणों में होगा और 10 मार्च को यूपी चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। पंजाब और उत्तराखंड में एक राउंड में वोटिंग होगी। लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल कहे जा रहे उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनाव का ऐलान निर्वाचन आयोग ने आज शनिवार को किया। 403 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान होगा। इसके अलावा उत्तराखंड, गोवा और पंजाब में 14 फरवरी को एक ही राउंड में मतदान होना है। मणिपुर में 2 चरणों में 27 फरवरी और 3 मार्च को वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश में पहले राउंड की वोटिंग 10 फरवरी को होगी। इसके बाद दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को होना है। 20 फरवरी को तीसरे और 23 फरवरी को चौथे राउंड की वोटिंग होगी। 27 फरवरी को पांचवें, 3 मार्च को छठे और 7 मार्च को सातवें राउंड का मतदान होना है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने बताया कि 10 मार्च को सभी 5 राज्यों के नतीजों का ऐलान किया जाएगा। वहीं कोरोना के चलते रैली रोड शो पर रोक लगाई गई है, सिर्फ वर्चुअल कैंपेन की परमिशन होगी। यूपी समेत सभी 5 राज्यों में वोटिंग का समय 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा सभी राज्यों में 15 जनवरी तक किसी भी तरह की रैली रोड शो, बाइक रैली, नुक्कड़ सभाओं पर रोक लगा दी गई है। 15 जनवरी के बाद हालात की समीक्षा की जाएगी। यदि कोरोना नियंत्रण में होता है तो फिर कुछ छूट दी जा सकती है। चुनाव की समाप्ति के बाद किसी भी तरह के विजय जुलूस पर रोक होगी। साथ ही सभी चुनाव अधिकारियों के लिए कोरोना की दोनों डोज जरूरी है। कोविड प्रोटोकॉल्स एंड कोविड सेफ इलेक्शंस, आई थिंक फॉर विच मेनी पर्संस आर वेटिंग एंड लॉट ऑफ क्वेरीज आर कमिंग इवन बिफोर अनाउंसमेंट ऑफ द पोल्स। आई विल स्टार्ट दैट देयर वर लॉट ऑफ क्वेरीज ऑन दिस इशू, that what will happen, what is going to happen. But I would like to start with a very, you know, couplet. Yakeen ho to koi rasta nikalta hai, hawa ki oat bhi lekar chirag jalta hai. So therefore, yakeen hona chahiye. We should have a yakeen, we should have a faith, we should have a absolutely belief that we can pass through this particular pandemic also through our safety measures, through our proper following of the COVID appropriate behavior. Only then we can sail through effectively, safely into this election process, as has been done in earlier past elections also. The decision to go ahead with scheduled elections was taken after much deliberation, discussions, and careful analysis of the ever-dynamic situation. The situation is very dynamic. It is not static. Nobody can predict. Nobody could have predicted earlier also, a month before. So the situation is very, very dynamic. Let me go back to the Constitution of India on this issue. Article 172.1 states clearly that every legislative assembly of every state, unless sooner dissolved, shall continue for 5 years, -- and no longer. So the period of any constituency is only up to 5 years and no longer. Any postponement of the assembly may result in a situation which denies people of that state the right to elect an accountable government of their choice. The government will have to be of their choice. It is a democratic process. Democracy forms part of the basic structure of the constitution, and holding of timely election is the essence of maintaining democratic governance, and this task has been given to the Election Commission of India to hold timely elections. अमरावती में मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ महानगर पालिका द्वारा कार्रवाई की जा रही है। मनपा आयुक्त ने खुद सड़क पर उतरकर बगैर मास्क के घूमने वालों से लाखों का जुर्माना वसूला है। राज्य में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है।
दिन ब दिन मरीजों की संख्या बढ़ रही है, साथ ही ओमाइक्रॉन के मरीज भी बढ़ रहे हैं। वहीं डेल्टा का भी प्रकोप बढ़ रहा है। अमरावती में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, फिर भी कई लापरवाह लोग बगैर मास्क के घूम रहे हैं। लोग नियमों का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं, ऐसे लोगों पर मनपा द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। कई लोग और दुकानदार बिना मास्क के दिख रहे हैं, इसलिए अमरावती महानगर पालिका ने कठोर भूमिका अपनाई है। मनपा आयुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर, सहायक आयुक्त भाग्यश्री बोरेकर खुद अपनी टीम के साथ शहर में घूमकर बगैर मास्क वालों पर कार्रवाई कर रहे हैं। अब तक लाखों का जुर्माना वसूला गया। सध्या माननीय आयुक्त महानगर पालिका अमरावती यांच्या आदेशान्वये रस्त्यावर जे पण विना मास्क फिरतात किंवा वेगवेगळ्या आस्थापनांमध्ये सुद्धा जे विना मास्क फिरतात त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई या ठिकाणी सुरू केलेली आहे। कोरोनाचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढत आहे। अमरावती शहरातही आपण पाहतोय मागच्या 4 दिवसापासून 50 पेक्षा जास्त पेशंट आपल्याला इथे कोरोना पॉझिटिव्ह आढळत आहे। त्याला प्रादुर्भाव रोखण्याकरिता आपण इथे विना मास्क फिरणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करतो। आतापर्यंत एकूण रोजचा दंड जर पाहता 1 लाखापर्यंत दंड वसूल झालेला आहे। कालच्या सुद्धा दिवशी आम्ही विनामास्क एक दक्षिण प्रभागाबद्दल बोलायचं झालं तर जवळपास 20,000 आकड्यापर्यंत आम्ही दंड वसूल लोकांना मी इथे आपल्या मार्फत हे आवाहन करू इच्छिते की विनामास्क कुणी रस्त्यावर उतरू नये, आवश्यक असल्यासच आपण घराबाहेर पडावे आणि त्रिसूत्रीचं पालन करावे। बघतो चला एक ब्रेक का, मिळते एक छोटेसे ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities। Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लॉकडाउन मुद्दे पर मुंबई की मेयर किशोरी पेडणेकर ने विपक्ष के नेताओं पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि गांजा पीकर कंफ्यूजन ना फैलाए, साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्षी नेता उनकी कही गई बातों का अनर्थ निकाल रहे हैं और शहर में कंफ्यूजन की स्थिति निर्माण कर रहे हैं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा था कि अपना राजनीतिक वजन बढ़ाने के लिए और कमाई बढ़ाने के लिए कोरोना की तीसरी लहर का डर दिखाया जा रहा है और लॉकडाउन की धमकी दी जा रही है। वे जल्द ही कोविड जंबो सेंटरों के नाम पर चल रहे घोटालों से जुड़े सबूत सामने लाएंगे। मुंबई में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण और इनसे निपटने में असफल होने की विपक्ष की ओर से लगातार हो रही आलोचनाओं के बीच मुंबई की मेयर किशोरी पेडणेकर ने मुंबई में लॉकडाउन को लेकर स्थिति स्पष्ट की, बल्कि विरोधियों पर भी कंफ्यूजन पैदा करने का आरोप लगाया है। किशोरी पेडणेकर ने कहा कि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती, उनकी मराठी में ही कही गई बातों के अर्थ का अनर्थ कर विपक्ष के कुछ नेता उसका फायदा उठा रहे हैं। जनता में कोरोना की स्थितियों का और लॉकडाउन का डर हम नहीं विपक्ष के नेता बढ़ा रहे हैं। मेयर किशोरी पेडणेकर ने कहा कि मुंबई में जो 20,000 केस आ रहे हैं उनमें से 17,000 केस मामूली लक्षण या बिना लक्षणों वाले हैं। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इनमें से एक भी आईसीयू पेशेंट नहीं है। संकट कोई भी हो हम घबराते नहीं। बीएमसी की तैयारी पूरी है। विपक्षी नेताओं के लिए कुर्सी में बैठकर गांजा पीते हुए आलोचना करना बहुत आसान है, लेकिन स्थितियों को देखते हुए बीएमसी काम कर रही है। कोरोना की संख्या स्टेबल है, इसलिए फिलहाल लॉकडाउन का सवाल ही नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा था कि 20,000 केस सामने आने लगेंगे तो मुंबई में लॉकडाउन लगेगा ही।
बीजेपी विधायक आशीष शेलार को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। शेलार ने गृह मंत्री को पत्र लिखकर जांच की मांग की है। शेलार ने तुरंत मुंबई पुलिस कमिश्नर के पास शिकायत भी दर्ज कराई है। अपनी शिकायत में उन्होंने लिखा कि उन्हें और उनके परिवार को एक अज्ञात व्यक्ति से जान से मारने की धमकी मिली है। भारतीय जनता पार्टी के नेता व मुंबई के विधायक आशीष शेलार ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री और मुंबई पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर दावा किया है कि उन्हें एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर धमकी दी है। एक अधिकारी ने शनिवार को ये जानकारी दी है। बांद्रा पश्चिम के विधायक शेलार ने अपने पत्र में कहा है कि फोन करने वाले ने अपशब्द कहे और उन्हें एवं उनके परिवार के लोगों को जान से मारने की धमकी दी है। पूर्व मंत्री शेलार ने पत्र में उन दो फोन नंबरों का विवरण भी दिया है जिनसे उन्हें धमकी दी गई थी और पुलिस से आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। हालांकि अधिकारी ने शेलार को धमकी मिलने के कारणों के बारे में विस्तार से नहीं बताया। इसी बीच विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को नागपुर में कहा कि शेलार सरकार में भ्रष्टाचार को लेकर मुखर थे। मला असं वाटतं की आशीष शेलार हे सातत्याने सरकारच्या विरोधात भूमिका मांडतात आणि सरकारचं भ्रष्टाचार असेल, सरकारमधला अनागोंदी कारभार असेल हा सातत्याने ते बाहेर आणतात, संघर्ष करतात, त्यामुळे कदाचित अशा प्रकारची धमकी आली असेल, त्यामुळे पोलिसांनी धमकी सिरियसली घेतली पाहिजे। भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा वाघ ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री पर करारी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हॉलीडे मूड में तो गृह मंत्री विकेट मूड से अब तक बाहर नहीं निकले हैं। साथ ही उन्होंने ठाकरे सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार पार्ट टाइम काम करती है। राज्य में सरकार नाम की कोई चीज है या नहीं, इस पर भी चित्रा ने सवाल उठाया। भारतीय जनता पार्टी से ज्येष्ठ नेते आमदार आशीष जी शेलार यांना फोनवरनं विखारी भाषा वापरत त्यांना आणि त्यांच्या परिवाराला जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या जातात। इतके तास उलटूनही कायदा सुव्यवस्था सुस्त आहे। मुख्यमंत्री महोदय, राज्यातल्या महत्वाच्या नेत्यांना धमक्या दिल्या जातात। हे सरकार तुम्ही तालिबानांच्या ताब्यामध्ये दिलंय? या राज्यामध्ये सरकार नावाची गोष्ट शिल्लक आहे? स्वतः मुख्यमंत्री हे हॉलिडे मूडमध्ये आहेत तर गृहमंत्री अजून विकेंड मूडमधनं बाहेर आलेले नाही आहेत। हे सरकार पार्ट टाइम काम करतंय। आशिषजी शेलार आणि त्यांच्या परिवाराला ज्याने कोणी धमक्या दिला त्याच्या 24 तासाच्या आत मुसक्या आवडा। आशिष शेलार आणि त्यांच्या परिवारातील कुठल्या सदस्याला जर काही इजा झाली तर त्याला सर्वस्वी जबाबदार मुख्यमंत्री महोदय आपण आणि गृहमंत्री महोदय आपण असाल। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने राज्य में आई कोरोना की तीसरी लहर के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने जालना में आयोजित पत्र परिषद में कहा कि राज्य में प्रतिबंध और रात में कर्फ्यू लगाने के संबंध में मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि राज्य में ऑक्सीजन की अभी जरूरत नहीं पड़ी है। मरीजों की संख्या बढ़ रही है लेकिन उसमें ओमिक्रॉन मरीज नहीं है। मोनोपिराविर सध्या जे सांगितलेलं आहे टास्क फोर्सनी की ज्यामध्ये ते अँटीव्हायरल एक महत्वाचा त्या ठिकाणी ड्रग आहे आणि तो ड्रग मुबलक प्रमाणात उपलब्ध पण व्हावा आणि त्याची प्राइस कंट्रोल सुद्धा असावी अशी मागणी मी आपल्या महाराष्ट्राच्या वतीनं आरोग्य मंत्री भारत सरकारला केलेली आहे। मला असं वाटतं की मोनोपिराविर हा मोठ्या पद्धतीनं उपलब्ध व्हावा आणि ते करण्यासाठी केंद्र शासनाने जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावा अशी पुन्हा एकदा विनंती आपल्या माध्यमातून सुद्धा मी करेल। तसे माननीय मनसुख मांडवियाजी यांनी स्पष्टपणे आमच्या मीटिंगमध्ये सांगितलं की आम्ही 13 कंपनींना या संदर्भात उत्पादन करायला सूचना देण्यात आलेल्या आहेत आणि त्यांनी आम्हाला खात्री दिली की याचा पुरवठा कमी पडणार नाही। त्यामुळे असं वाटतं की आता हे लवकर उपलब्ध व्हावं एवढीच सध्या रास्त अपेक्षा केंद्र शासनाच्या कडून आहे। माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या कडे याबाबतच्या बैठका होत राहतात, ते पण व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून आरोग्य विभाग, चीफ सेक्रेटरी, टास्क फोर्स यांच्या बरोबर सतत चर्चा करत राहतात आणि त्यामुळे वेगवेगळ्या पद्धतीचे जे काही मतं आहेत ते मतं घेऊन निश्चित प्रकारे त्याबद्दलचा योग्य ते निर्णय निर्बंधांच्या संदर्भाने घेत राहतात। त्यामुळे त्यांची मान्यता आल्यानंतर त्या संदर्भातले नोटिफिकेशन किंवा आदेश हे जारी होत असतात। मला वाटतं की या संदर्भातला एक जनरल त्यांचं मत निर्माण करण्याची जी काही
एक विषय असतो किंवा त्या संदर्भातले जे वेगवेगळे इनपुट्स असतात ते घेऊन माननीय मुख्यमंत्री महोदय या संदर्भातल्या निर्बंधांच्या संदर्भातला निर्णय घेतील. बूस्टर डोस संदर्भात काय माहिती आहे आणि समजा एखाद्या व्यक्तीने जर कोवॅक्सिनची लस घेतलेली असेल तर त्यांना कुठला बूस्टर डोस देणार आहे किंवा कोविशिल्डची घेतलेली असेल दोन्ही डोस? महाराष्ट्राच्या सर्वच जनतेला या निमित्ताने सांगेल की 10 तारीख म्हणजेच 10 जानेवारी 2022 या तारखेपासून आपण 60 वर्षाच्या वरील लोकांना ज्यांनी पूर्वी 2 डोसेस घेतलेले होते त्यांना आता प्रिकॉशनरी डोस म्हणून 3रा डोस देण्याच्या दृष्टिकोनातून निर्णय झालेला आहे. या डोसच्या व्यवस्था प्रत्येक लसीकरण केंद्रावर करण्यात आलेली आहे. यामध्ये ज्यांनी पूर्वीचे 2 डोस कोवॅक्सिन घेतले त्यांना 3रा डोस हा कोवॅक्सिननीच घ्यायला हवा. ज्यांनी कोविशिल्ड डोस घेतले त्यांनी कोविशिल्डच घ्यायला हवं. अशा स्वरूपाचे सूचना आणि ऍडवायझरीज ICMR कडून आलेल्या आहेत आणि त्या अनुषंगाने खाली ह्या सगळ्या सूचना आरोग्य विभागाच्या शेवटच्या व्यक्तींपर्यंत देण्यात आलेल्या आहेत जेणेकरून आपापल्या सेंटर्सवर 60 वर्ष वयोगटातील उद्या सुरू होऊ घातलेल्या या महत्वाकांक्षी 3रा प्रिकॉशनरी डोसच्या दृष्टिकोनातून कुठेही अडचण राहणार नाही. संपूर्ण तयारी आमची झालेली आहे आणि सगळ्या खाली सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही. आपसे कल फिर मुलाकात होगी. तब तक देखते रहिए VKB न्यूज. नमस्कार.